Her name is Joy. एक सीन तो ये हुआ है, हमारी बस जा चुकी है. तो आज डे टू है हमारा, मैं थोड़ा लेट हुए उठने में तो भी आवाज ऐसी है. तो आज हम निकल रहे हैं बीच के लिए, कपड़े मैंने कुछ ऐसे डाले हैं. तो अब हम लोग निकल रहे हैं कोरल आइलैंड के लिए, यहाँ से जाना है अपन को और यहीं से चल रहे हैं. ये उन्होंने हाथ पे कुछ लिखा है जिससे ताकि मैं खो ना जाऊं, मतलब हम लोग की वो पता रहे कि कौन सा नंबर है क्या है. तो और ये लोग अपने फोटो ले रहे हैं. तो यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और नज़ारा अच्छा तो है, मतलब ठीक है. आइलैंड पहुँच के और अच्छा रहेगा. तनिश भाई कैसा लग रहा है अंटार्कटिका में? ठंड हो रही है. ओके सो टू बोट. चलो गाइस चलो चलो. ओ भाई ओ भाई ओ क्या करता है रे तेरी तो. ओ भाई बोट, ओ भाई पानी. यहाँ हम लोग आगे बैठ चुके हैं. तो हम लोगों ने कॉम्बो पैकेज लिया है और जिसमें चार चीजें इंक्लूड हैं. पहला है पैरासेलिंग और दूसरा है अपना सी वॉक, तीसरा है अंडर वाटर सी वॉक, तीसरा है जेट स्की, चौथा है बनाना राइड. तो पहला अपन लोग ये करने वाले हैं. ये फुल सेट. ओके ओके नाउ रेडी. जस्ट अभी मैं पैरासेलिंग करके आया हूँ. मैंने अभी डिप लिया था, मतलब डिप का मतलब क्या होता है, आपको पानी के अंदर एक बार डालते हैं और फिर दोबारा निकालते हैं, तो वही लिया था मैंने. और काफी सही एक्सपीरियंस, मजा आ गया और बहुत एक्साइटेड हूँ नेक्स्ट राइड्स के लिए. अंडर वाटर वॉक करने वाले हैं, बताओ क्या क्या सोच रहे हो आप? इंस्पिरेशन फ्रॉम लक्ष्य सर, मैंने उनकी फोटोज देखी थी, मुझे मजा आ गया और सर आज फाइनली करने जा रहे हैं हम. क्या सुना रहे हैं? सस्ते नशे. जहाँ से हमें अंडर वाटर वॉक करनी है वहां पर हम आ चुके हैं. और भाई जाने में तो काफी नर्वसनेस हो रही थी, लेकिन जैसे ही अंदर पहुंचे वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था. अंडर वाटर वॉक हो गई है, जेट्स की हमने कर लिया है, बनाना राइड भी हो गई है, सारी राइड्स जो भी एडवेंचर था कोरल आइलैंड का खत्म हो गया है. और मैं शूट कर नहीं पाया क्योंकि फोन मैंने साइड में रख लिया. बस हम लोग लंच करने निकल रहे हैं, काफी थकान भरा दिन, अभी भी कानों में प्रेशर सा है वो अंडर वाटर जाने का. तो जब हमने शुरू किया था यहाँ से पटाया सिटी, कहाँ दिख रहा है ये राइला, यहाँ से फोटो भी खिंचवाई थी और बस यहीं से ये जो पूरा आइलैंड का व्यू है आपको दिख रहा होगा. तो यहीं पर अपना लंच है. हर नेम इज जॉय, शी इज अवर गाइड. मुंबई मैजिक, काफी बड़ा आउटलेट है. तो एक सीन तो ये हुआ है, हमारी बस जा चुकी है, आरएनजी ने बुलाया नहीं हमें. किसी ने नहीं बुलाया.
आ रहे थे, किसी ने बुलाया, बट हमने अपने दोस्त बना लिया, हमें वीवीआईपी टिकट मिलेगा। लंच करके बिल्कुल अभी अभी होटल रूम में आया हूँ अपने, हर बार की तरह अकेला। जल्दी से 6:30 हमें मतलब निकलना है, अपने गाला डिनर है आज हमारा तो वहीं पर, और दिन का व्यू आप देख लो काफी सही, नीचे स्विमिंग पूल बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। तो अब मैं तैयार हो चुका हूँ और अब हम लोग निकल रहे हैं गाला डिनर के लिए। पार्टी है 3 घंटे का अराउंड, ये डिनर चलेगा। तो ये अपने पंडर हम लोग सारे रेडी हो चुके हैं और अब हम लोग कहाँ निकल रहे हैं भाई? गाला डिनर। गाला डिनर। तो भाई हम लोग यहाँ पाइनएप्पल खा रहे हैं और मतलब दीदी जी बेस्ट पाइनएप्पल ही होगा वैसे, हमने जो चाट पे खाया ना एकदम डिनर से भी अच्छा हमने यही खाया, बहुत मीठा और बहुत ही जूसी और बहुत ही ज्यादा फ्रेश, बट ब्यूटीफुल। बहुत ही अच्छी सीट आज हमने बैठे हैं, ये डबल डेकर है तो हम नीचे बैठे और वो जो पैसेंजर सीट है वो ऊपर है, ये वीआईपी सीट। हाँ ये भी सही है, हाँ इधर चले जाओ। तो जहाँ पर अपना डिनर है वो है H2O मतलब पानी, पूल निर्वाणा नाम है इस जगह का। और पंटर आ गए अपने सारे, जॉय खत्म हो चुकी है, बहुत ही क्रेजी नाइट रही आज की। तो आज का व्लॉग मैं यही एंड करता हूँ क्योंकि अब शायद कहीं और जाएंगे आफ्टर पार्टी जो होती है। खुश रहो, मस्त रहो, खाते रहो, पीते रहो, सरोगती रहो और ये चैनल देखते रहो। रात के अराउंड 2:15 बजे तनिष भाई और मैं निकले हैं, क्या खोजने निकले हैं रात को? नहीं मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। प्यास लग रही है, पानी खोल रहे सारा पकड़ आए थे ऐसे। ओके थैंक यू।